नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों, UP SSSC लोअर PCS को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी की हुई है और यहाँ पर काफ़ी हजारों अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन फॉर्म में गलतियाँ की हैं, फ़ोटो अपलोड करने में गलतियाँ की हैं, साइन अपलोड करने में गलतियाँ की हैं। तो आयोग ने इनकी एक सूची जारी की है। जो फॉर्म अभी भरवाए गए थे लोअर PCS 2019 के अंतर्गत, उनकी सूची जारी कर दी गई है। आप लोग भी इसमें नाम चेक कर लें। कैसे आपको चेक करना है, तो आपको अपना नाम चेक करने के लिए ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, आपको अपने गूगल ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है governmentjobcenter.com करके सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे सर्च कर देंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर लेटेस्ट जॉब करके एक ऑप्शन बनाया गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऑप्शन है UP SSSC लोअर PCS फोटो साइन ऑब्जेक्शन रीलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर बता दें, फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करने की लास्ट डेट जो 3 सितंबर 2019 है, इस तक आप लोग अपना ये जो फ़ोटो और साइन, अगर आपका रिजेक्ट किया गया, फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, तो यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों, अब नीचे की तरफ आ जाना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, फ़ोटो साइन ऑब्जेक्शन रीलोड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा जो कि ऑफिशियल साइट का होगा और यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि इसकी स्टार्ट डेट विज्ञापन की क्या थी, ऑन लास्ट डेट क्या थी, फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट क्या थी। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, राइट साइड में सी ऑब्जेक्शन लिस्ट करके एक ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो एक पेज थोड़ी देर बाद लोड होगा। अगर आप डेस्कटॉप पे करेंगे तो जल्दी आराम से आपको दिख जाएगा, मोबाइल से कर रहे हैं थोड़ा सा हो सकता है लेट खुले, क्योंकि ये स्पीड पर और आपके मोबाइल के सपोर्ट पर निर्भर करेगा कि सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। दोस्तों, लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है मोबाइल पर आपकी पेज ये ना खुले, तो आप लोग इसको डेस्कटॉप पर ज़रूर खोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपके फादर का नाम लिखा होगा, क्या प्रॉब्लम है ये यहाँ पर लिखा होगा। अधिकतर जो फॉर्म है यहाँ पर फ़ोटो को लेकर के रिजेक्ट किए गए हैं, तो आपके पास समय है फ़ोटो अपलोड करने का दोबारा से। 3 सितंबर लास्ट डेट है। आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया, वहाँ पे आगे स्टेटस दिया होगा कि फ़ोटो इज नॉट एज पर डायमेंशन, फ़ोटो वेरी स्मॉल, फ़ोटो विदाउट सिग्नेचर। तो जो भी कारण होगा यहाँ पर साफ दिया होगा। तो आप लोग अपना नाम चेक कर लीजिए। लगभग 3,349 अभ्यर्थियों की ये लिस्ट है, इन अभ्यर्थियों के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किए गए। 3 सितंबर तक अगर आप लोग इसको अपडेट नहीं करते हैं, फ़ोटो दोबारा से अपलोड नहीं करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। अब आपको करना कैसे, तो आपको जहां आपका नाम है उसके बगल में देखिए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक कर देंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहां पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इंटर वेरिफिकेशन कोड, और यहाँ से कैप्चा कोड डाल करके आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से आप लोग नए पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपका फॉर्म स्टेटस दिखाएगा और वहाँ से आप लोग फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लोग इसको अपलोड दोबारा फ़ोटो करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब सेंटर, इसको ज़रूर से ज़रूर विजिट करते रहें। यहाँ पर नौकरी से संबंधित जो भी अपडेट होती है, पोस्ट होती रहती, दे सकते हैं लेटेस्ट रिजल्ट में, एडमिट कार्ड में, जॉब्स में। इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आंसर की, सिलेबस, इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म होते हैं वो सब। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे वीडियोस होते हैं यूट्यूब चैनल के, वो डायरेक्टली आप यहीं से देख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है यहाँ पर। स्टडी मटेरियल में करके वीडियोस जो आएँ वो मिल जाएंगे, फ्री PDF मिल जाएगी, साइंस के जो वीडियोस हैं वो सब मिल जाएंगे। तो आप रेगुलरली विजिट करेंगे तो आपका यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोअर PCS का जो फॉर्म है उसको ज़रूर से ज़रूर अपडेट कर लें अगर आपका कुछ यहाँ पर दिक्कत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।